हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। आई एम कामिनी बोंडे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट ईवीएस 1 लेसन नंबर 9 मैप्स आवर कॉम्पेनियंस पार्ट 3। देखो, यूज योर ब्रेन पावर, मतलब थोड़ा सोचो। Places of different heights are shown in above box. देखो, ऊपर ये box दिया है, उसमें अलग अलग ऊंचाई वाले स्थान दिए गए हैं। Find and join the dots that show places of the same height. इनमें से समान ऊंचाई पर स्थित स्थानों के बिंदुओं को देखो। What method of showing the landforms on a map have you used here? और समान ऊंचाई वाले स्थानों के बिंदुओं को रेखाओं से जोड़ो। और यह कृति करते समय तुमने मैप में भूरूप दर्शाने की एक पद्धति का उपयोग किया है। उस पद्धति का नाम नीचे बॉक्स में राइट आंसर इन द बॉक्स बिलो, मतलब उस पद्धति का नाम आपको नीचे इस बॉक्स में लिखना है। ओके, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? नाउ अ डेज मेनी मॉडर्न मेथड्स ऑफ मेकिंग मैप्स हैव बीन डेवलप, मतलब मैप तैयार करने की अनेक मॉडर्न मेथड्स अब विकसित हो गई है। प्रीवियसली रिलीफ वॉज शोन यूजिंग द हिल शेडिंग टेक्निक। इससे पहले हिल शेडिंग मतलब प्रकाश छाया, इस पद्धति का उपयोग करके मैप तैयार किए जाते थे। द मैप गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, मतलब नीचे आपको दिया गया मैप ये इसका एग्जाम्पल है। देखो, ये यहाँ पे मैप दिया है हमें, ये हिल शेडिंग का, हिल शेडिंग टेक्निक से किया गया मैप है। ओके, देन दो मिनट रुको। यूज योर ब्रेन पावर, मतलब जरा सोचो। अ मैप मेड बाय द लेयर टिंटिंग मेथड इज गिवन इन अनदर चैप्टर। देखो, रंग पद्धति का उपयोग करके एक अन्य प्रकरण में भी मैप दिया गया था, मतलब दूसरे चैप्टर में भी एक मैप दिया गया है। फाइंड अ मैप एंड राइट इट्स कैप्शन इन द बैंक बॉक्स बिलो, मतलब ये जो मैप है उसको खोजना है आपको और उसका शीर्षक इस बॉक्स में आपको लिखना है। नेक्स्ट, ट्राई दिस, ये आपको करके देखना है। मेक एन आउटलाइन मैप शोविंग वेरियस प्लेसेस इन योर नेबरहुड और स्कूल, मतलब अपने विद्यालय अथवा घर के परिसर के विभिन्न घटकों को दर्शाने वाला प्रारूप आपको तैयार करना है। एक्सचेंज योर आउटलाइन मैप्स विद दोज ऑफ योर फ्रेंड्स, मतलब तैयार किया गया अपना ये जो आउटलाइन मैप है ये और आपके फ्रेंड के द्वारा तैयार किया गया आउटलाइन मैप एक दूसरे को देखने के लिए देना है आपको। मेक लिस्ट ऑफ व्हाट यू अंडरस्टैंड एंड डू नॉट अंडरस्टैंड इन योर फ्रेंड्स मैप, मतलब मित्र के मैप के मित्र के एक मिनट मित्र के प्रारूप के समझे हुए घटकों तथा न समझे हुए घटकों की अलग अलग सूचियां आपको लिस्ट बनानी है। आपके मित्र का जो मैप है उसमें आपको क्या समझ में आया और नहीं समझ में आया उसकी लिस्ट बनानी है आपको।
डिस्कस दिस थिंग्स विद वन अनदर, मतलब इस मैप के समझे हुए और न समझे हुए घटकों के बारे में एक दूसरे से आपको डिस्कस मतलब चर्चा करनी है. ओके, थिंक अबाउट व्हाई यू डिड नॉट अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स योर फ्रेंड्स हैड शोन इन देयर मैप्स. अभी मित्र का द्वारा तैयार किया गया जो मैप है उसके कुछ घटकों को तुम क्यों नहीं समझ पाए, इस पर भी आपको विचार करना है. ओके, मैनी पीपल यूज मैप्स. देखो, मैप का उपयोग अनेक लोग करते हैं. मैनी कंपोनेंट्स आर शोन इन मैप्स और आउटलाइन मैप्स, मतलब मैप अथवा आउटलाइन मैप अथवा मैप में विविध घटक दिखाए जा सकते हैं. इफ दिस कंपोनेंट्स आर शोन ऑन डिफरेंट मैप्स इन डिफरेंट वेज इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देम. देखो, वे अलग अलग पद्धतियों द्वारा दिखाए जाए तो आउटलाइन मैप या मैप समझने में कठिनाई होती है. Therefore, standard signs of symbols are used to make the map easy to read. और अंततः क्या होता है, मैप में दर्शाए गए घटक सभी लोग सहजता से समझ सके, इस दृष्टि से चिन्हों का तथा संकेतों का उपयोग किया जाता है. That is why everyone can understand them. और ये संकेत और चिन्ह ऐसी विशिष्ट और समान पद्धति द्वारा दर्शाए जाते हैं कि सभी की समझ में आ सकेंगे. ओके, नेक्स्ट है कन्वेंशनल साइंस, मतलब संकेत. साइंस आर यूज टू शो वेरियस थिंग्स ऑन अ मैप एज पर कन्वेंशन. दीज आर इन द फ्रंट फॉर्म ऑफ लेटर्स और ज्योमेट्रिकल शेप्स, फॉर एग्जांपल लाइंस, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, डॉट्स एक्सेट्रा. देखो, संकेत कॉन्वेंशनल साइंस जो मैप में अलग अलग घटक दर्शाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले संकेत होते हैं और ये प्रायः भूमितीय आकृतियों के स्वरूप में होते हैं. फॉर एग्जांपल लाइन मतलब रेखा, वृत्त, त्रिकोण, बिंदु ऐसे दिए जाते हैं. कॉन्वेंशनल सिंबल्स, अभी चिन्ह देखो. सिंबल्स आर यूज टू शो वेरियस थिंग्स ऑन अ मैप एज पर कॉन्वेंशन. सिंबल्स आर मिनिएचर ड्राइंग ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, फोर्ट्स एक्सेट्रा. मतलब मैप में अलग अलग घटक दर्शाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चिन्ह उन घटकों के चित्ररूपों की छोटी आकृतियाँ होती है. देखो, फॉर एग्जांपल दिया है यहाँ पे टेम्पल्स मतलब मंदिर, मॉस्क्यूज मतलब मस्जिद, और फोर्ट्स मतलब किले इत्यादि. ओके, ये सिंबल्स यूज किए जाते हैं और साइंस मतलब संकेत. आया समझ में? ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.